हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कैनाल्स और रिवर्स में पर सेकंड में कितना पानी फ्लो करता है, यानी इन कैनाल्स और रिवर्स की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है या वाटर को डिस्चार्ज करने की कितनी कैपेसिटी है, इसी को कैलकुलेट करना आज की वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो की हेडिंग है वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन रिवर्स एंड कैनाल्स। पहले हम कैनाल्स के बारे में देखते हैं। रिवर्स में हम देखते हैं कहीं पर जो रिवर्स है उनकी विड्थ बढ़ जाती है और कहीं पर विड्थ कम हो जाती है, लेकिन जो ब्रिजेस होते हैं, जो पुल होते हैं, वहां पर रिवर्स की जो विड्थ है वो फिक्स हो जाती है। तो रिवर्स का जो वॉल्यूम है पानी का ब्रिजेस के आसपास कैलकुलेट किया जाता है, और वैसे कैनाल का भी ब्रिजेस के आसपास ही कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम, लेकिन हम कैनाल का वॉल्यूम कहीं पर भी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई कैनाल फ्लो करती है, मान लो इस शेप में है, इसमें है या इसमें, लेकिन ब्रिज के पास, पुल के पास कई बार हम देखते हैं इन कैनाल्स की शेप को इस टाइप में बना दिया जाता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। अगर कैनाल छोटे साइज की है तो वी शेप की होती है, अगर कोई कैनाल नहर बड़े साइज की होती है तो ये ट्रेपीजियम शेप में होती है। अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है इसके वॉल्यूम को, तो हम देखते हैं अगर कैनाल के सामने से देखेंगे तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैनाल। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम एरिया ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी कि जिस एरिया से पानी फ्लो करता है वो एरिया निकाल लिया जाए, और पानी एक सेकंड में कितने मीटर फ्लो करता है उन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस कैनाल या रिवर की कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। अब पानी कितनी स्पीड से फ्लो करता है इसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम करंट मीटर बोलते हैं। ये पानी की स्पीड मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करके हमें बता देगा। मान लीजिए किसी ब्रिज के पास कैनाल की ये शेप बना ली जाती है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई, ये जो कैनाल की विड्थ है इसको हम लेंथ मान लेंगे, और जो जिस हाइट में पानी फ्लो करता है इसको हम ब्रेथ मान लेंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। अब ए यानी इसी को हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए किसी कैनाल के ब्रिज के पास ये जो लेंथ है यानी कि जो विड्थ है ये 5 मीटर है और पानी की हाइट 4 मीटर है और पानी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो हम देखेंगे इस कैनाल में एक सेकंड में कितना पानी फ्लो करता है। तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 × 4 ये क्यूबिक मीटर पानी फ्लो करता है, और एक क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होता है। जब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसी कैनाल जिसकी विड्थ जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी विड्थ 5 मीटर है और पानी की हाइट 4 मीटर है और पानी की चलने की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो इस कैनाल में 80,000 लीटर पानी पर सेकंड के हिसाब से फ्लो करेगा, यानी कि 80,000 लीटर पानी एक सेकंड में इस ब्रिज के नीचे से क्रॉस कर देता है। और मान लीजिए कैनाल की शेप ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का 1/2 × बेस, यहाँ पर बेस क्या होगा, जो पानी की जो अपर मोस्ट लेयर है ये कितनी विड्थ में पानी फ्लो करता है, ये इस ट्रायंगल की बेस बन गई, और कितने हाइट में पानी फ्लो करता है ये इस ट्रायंगल की हाइट बन गई। यहाँ बी वाले को देखते हैं, मान लीजिए छोटी कैनाल है जो अपर मोस्ट लेयर है यानी कि 2 मीटर चौड़ाई में पानी फ्लो करता है, और इस कैनाल की जो गहराई है वो 1 मीटर है, और जो पानी की फ्लो करने की स्पीड है मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, और 1000 लीटर एक क्यूबिक मीटर के अंदर होता है, तो इस कैनाल की कैपेसिटी आ जाएगी 3000 लीटर पर सेकेंड। फिर समझेंगे, एक छोटी नहर जो 1 मीटर पानी की ऊंचाई फ्लो करती है और जिसकी ऊपर से चौड़ाई 2 मीटर है, तो ये कैनाल एक सेकंड में 3000 लीटर पानी को डिस्चार्ज करेगी। और मान लीजिए कोई कैनाल काफी बड़ी है, जब कैनाल्स बड़ी हो जाती हैं
तो उनका बेस नीचे से इस टाइप में होगा और देखने में ये ट्रेपीजियम शेप की होती है। और जब किसी ट्रेपीजियम का जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और साथ में ये जो बीच में डिस्टेंस बनता है ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो इसी सी वाले को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए सी के ऊपर देखते हैं, ये जो कैनाल है नीचे से इसकी चौड़ाई मान लीजिए 10 मीटर है और ऊपर से ये जो कितनी चौड़ाई में पानी फ्लो करता है ये 25 मीटर है। दोनों को ऐड करेंगे और मान लीजिए ये 5 मीटर की हाइट में पानी फ्लो करता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ में ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो कैनाल है इसके पानी की फ्लो करने की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है और एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। जब हम सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 350,000 लीटर पर सेकंड। एक ऐसी नहर जिसकी नीचे से चौड़ाई 10 मीटर हो और जिसमें लगभग 5 मीटर की हाइट का पानी फ्लो करता है और ऊपर से इस कैनाल नहर की चौड़ाई 25 मीटर हो और पानी की फ्लो करने की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो ये नहर एक सेकंड में 350,000 लीटर पानी को डिस्चार्ज करेगी। अब हम देखते हैं अगर रिवर्स की बात की जाए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था रिवर्स कहीं पर ज़्यादा चौड़ी होती हैं कहीं पर इनकी विड्थ या चौड़ाई कम हो जाती है। उस कंडीशन में तो हम देखते हैं जो रिवर्स होती हैं ब्रिजेस के पास इनकी जो विड्थ है वो फिक्स हो जाती है। जब इतना लंबा ब्रिज है या तो इसको हम 5 रेक्टेंगल्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं इस पानी को, या फिर जो रिवर की काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है वहाँ पर हम इन पिलर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। मान लीजिए कोई रिवर है इसकी ब्रिज के नीचे जो वेस्ट है चौड़ाई है वो 100 मीटर है और इसमें लगभग 4 मीटर की ऊंचाई का पानी फ्लो करता है और जो वाटर की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड है और 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होता है। यदि हम सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन आती है 12 लाख लीटर पर सेकेंड। एक ऐसी नदी जिसकी चौड़ाई 100 मीटर हो जिसमें लगभग 4 मीटर की ऊंचाई का पानी फ्लो करता है और पानी की जो स्पीड है ये 3 मीटर पर सेकंड है तो ऐसी नदी में एक सेकंड में 12 लाख लीटर पानी फ्लो करेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जिनकी पुलों के नीचे चौड़ाई 1-1 किलोमीटर तक हो जाती है और बारिश के दिनों में जो पानी की हाइट है ये भी 5-6 मीटर हो जाती है और पानी की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो एक सेकंड में करोड़ों लीटर पानी डिस्चार्ज करती हैं ओशियंस के अंदर। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बताने की कोशिश की। अगर आपको यही प्रोसेस अच्छे से समझना है तो आपके एरिया में कोई ना कोई ऐसी कैनाल या रिवर होगी जिसके ऊपर ब्रिज के ऊपर जो वाटर गेट्स हैं वो लगे होंगे, वहाँ पर कोई ना कोई एम्प्लॉई ड्यूटी दे रहा होगा, उसको अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कैनाल्स और रिवर्स में कितना पानी पर सेकंड के हिसाब से फ्लो करता है इसको जानने और समझने की कोशिश की। इसी टाइप की किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।